এটা কি? পাখি। এ পাখি দেখেছি, বলো পাখি বলো। বল কালকা মোট হালকা পিসা থা। এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা, মে থোড়া সা লে লু। इसमें प्याज भी मिला सकते हैं, प्याज नहीं दिया, सिर्फ जीरा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर। कल जो हरी मिर्च पीसा था बिल्कुल तीखा नहीं था, एकदम फीका फीका था। देख, अच्छा इसमें इतना सारा बना काला काला हो गया, क्या खाए हैं? थोड़ा सा घी देके बस इसको रखो रखो। क्या कहा बैठ गई हो? अंडा टूट जाएगी, कच्चा है। ओ आजा। ऑयल था क्या? एक तेल था क्या? ऑयल था। ऑयल में ऑयल नहीं रहेगा तो क्या रहेगी? देखो क्या हाल किया कैंडी कैंडी। आ जा कैंडी। और एक देखो कहाँ बैठी है। ओए नाश्ता कहाँ करेगी? देख ओए मूंग दाल का चीला और काल का टमाटर और प्याज का चटनी और अंडा। कितना काम करती है कैंडी। गुड मॉर्निंग सबको, सुबह सुबह है। देखो आज भी वैसे ही, मैं सोचा था आज भी थोड़ा सा बारिश बारिश हो जाए तो कितना अच्छा है, नहीं हुआ। आज भी ढेर सारा काम, रोज का जैसा सेम काम लेके अभी खिड़की वगैरह सारे बंद हो जाओ। मैं तो सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेती हूँ, ये उठने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि लोग इतना लेट उठते है तो मैं तब तक तो भूखे मर जाऊंगी, इसलिए नहीं तो ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, ज्यादा देर खाली पेट में रहूंगी तो, इसलिए मैं ले लेती हूँ। पंखा में ना काम नहीं चल रहा है, पता ऊपर से गर्म इतना गर्म आ रहे है ना, प्लीज कूलर ही सही है। थोड़ा बहुत और काम है करके नहाने जाऊंगी, आके भी आज बहुत सारा जल्दी नहा लूंगी। पर नहा चुके हैं सब हम लोग। अरे अरे टीवी बंद कर, कोई नहीं देख रही, टीवी चल रही है पता। हाँ ऐसे ही है, आधा खाना बना है अभी बनाना है। ये टेबल क्लॉथ कल उठा दिया था, अभी इसलिए उसको चेंज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा बाकी है खाना बनाना, मछली का झोल जो मैं यहाँ छोटी छोड़ के कोई खाते ही नहीं है।
मैंने इतना गलती कर दिया ना, बाल बहुत छोटे हो गए। गर्मी में इतना छोटा स्टेप का करना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। पहले मेज में आरबी और अरे मछली का अंडा का बड़ा इतना टेस्टी होता है ना, मैं इसलिए जाता तो इसलिए वो सारे फ्राई कर लिया। अभी कढ़ाई में प्याज, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पिसा हुआ ज्यादा अच्छा मतलब अच्छा होता है। मैं भी नहीं, मैं ही खाऊंगी थी इतना, और वैसे तो कैसे भी करके मछली हो जाए बस, घर में तो और खाते नहीं है कोई। हल्दी पाउडर, कश्मीरी पीली पाउडर, नींबू और एक आइसक्रीम मेरा हिस्से का था, वो चार टुकड़ा हुआ है, खुद का खुद सारे खा लिया और मेरे लेके फिर वो भी लड़ाई चल रही है। तो थोड़ा सा नमक दे दिया और पहले से ही मैं जीरा और धनिया को भिगो के रख दिया था। ओहो वो भी डाल दो, साइड से तेल छोड़ दिया। अभी वो अरबी और आलू को दूंगी, बाद में मछली और अंडा का पकौड़ा। तो इतना अच्छा लगता है मछली का अंडा, उसका खट्टा भी बहुत अच्छा होता है, सूखा हम लोग सूखा वाला आम देके। बस हो गया, फिर अभी पानी लूंगी। अभी थोड़ा सा सब्जी बनते बनते थोड़ा सा आराम करूँ, आज सुबह लिया नहीं था, नहीं तो हाँ 12:30 बजे करीब ले लेता हूँ। थोड़ा सा चीनी खाई और पिएगी, सॉरी हिंदी में बंगाली में हम लोग खाते हैं सारा, तो इसलिए खाएगी। चीनी का नींद आ गई मेरे, मीठा हो गया तो थोड़े से पानी में ज्यादा ले लिया ना, तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत एकदम एकदम पूरा एकदम एकदम कोकोनट का। हाँ कोकोनट पानी मतलब थोड़ा वो छोटा वाला कोकोनट होता है ना, ऐसे बॉयल आ गया। फिर अभी एक अंडा, अंडा का पकौड़ा में कुछ मिला ही नहीं, नहीं तो कभी कभी खसखस और नहीं तो कोई बेसन वो सफेद वाला तिल कोई भी एक चीज पीस के मिला सकते हैं, मैं मिला ही नहीं, डायरेक्ट बारीक से प्याज काटा है, नमक और हल्दी मिला के पकौड़ा बना दिया। चलो आज के लिए खत्म, एक आलू बच गया था, बोले मिर्ची और सिरका वाला प्याज और मछली का झोल ये मेरे लिए है। ए तरह बा ए देख जैसे क्या क्या लग रहा है पता, क्या है दो बाल्फ है, छोटी बाल्फ बिस्टी दे बिस्टी चक्कुल लैपटॉप का आने की खुशी में तो थोड़ा सा मीठा बनता है, बहुत दिन ये बना रहे कुछ भी मीठा बना ही नहीं, सुधरा है सुधर है बोल के, तो आज थोड़ा सा सोया फ्री दे के बना लूंगी, ज्यादा नहीं इतना सा बनाऊंगी, इतना सा बनाऊंगी, थोड़ा सा कुछ भी तो खुशी मिला ना उसमें, थोड़ा सा मीठा तो खाने का मन करता है ना। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं उसका मतलब खाने का मन है, फिर उसका नाम लेके हम खा रहे हैं। थोड़ा सा ही सूजी वाला ही बनाऊंगी, इतना सा देखना एक साइड में जल गया। लैपटॉप का नाम पे खुद का खाने का नाम छुपा रही है। थोड़ा सा ऐसे ही सूखा भून लिया था, थोड़ा सा घी दूंगी ज्यादा नहीं, तो
वो भी खतरनाक है घी। एक्चुअली खतरनाक नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है उसके लिए खतरनाक। बस ऐसे पतला वाला ना बहुत पसंद है हलवा। चलो हवा तो पहले ही तो खाने का मिठाई तो पहले ही बन गया, अभी सब्जी चढ़ाना है। ये बहुत शायद 1-1.5 साल हो गया पहले बनाया था मस्टर्ड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद टमाटर गिर गया, प्याज 1.5 साल तो हो ही गया मतलब बनाए नहीं। बहुत अच्छा लगता है ये वाला दाल। तो भून लीजिए, पहले ही देना था तेज पत्ता, लौंग और इलायची, भूल गया था। ये भूनना हो गया, फिर अभी टमाटर को दे देती हूँ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी थोड़ा सा नमक, चने के दाल का भी थोड़ा सा नमक देके बॉईल करके रख दिया, मतलब पूरा ये नहीं गला नहीं, थोड़ा सा ये है कड़क है। हल्दी पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा भून के। ये देखो 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 कितना अच्छा बटरफ्लाई। तो फिर इसमें ना मसाला मतलब रेडीमेड वाला जो मिलता है ना, ओहो कैंडी कितना चिल्लाती है, दाल फ्राई वाला मतलब ऐसे टाइप का दाल फ्राई, किचन किंग मसाला, ऐसे ही मतलब जो रेडीमेड वाला मिलता है वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगी। वैसे मैं दाल फ्राई नहीं है, मैं किचन किंग मसाला दे रही हूँ। फिर उसको भून लीजिए अच्छे से, फिर अच्छे से हो गया भूनना, फिर अभी ना वो दाल को डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं। एक बॉयल आने के बाद फिर दूसरा ये जो काम है उसको बॉयल आने के बाद होगी। अभी जो करना है इधर थोड़ा सा मतलब ऐसे ही गढ़ाई रहेगी, और डाल के हिसाब से कितना अंडा देना है, मैं 2 अंडा दे दिया ऐसे। देखिए कुछ करना नहीं, इसको इसको ढक दूंगी जब तक ना मतलब व्हाइट होए, बॉयल ना हो जाए। जब तक वो दाल होते होते मैं बोली रोटी मैं इधर बना लूंगी, उसको उस साइड कर दिया दूसरे गैस पे, क्योंकि ऐसे गर्मी है किचन से छुटकारा मिलना चाहिए जल्दी। ये देखिए इसको फेट के भी दे सकते हैं, मैं फेटा नहीं था। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, मतलब मिस्टी इतना अच्छा क्या, तो फेट के भी देंगे ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसका ऐसे तो अंडा बॉयल ही हो गया है देखो पूरा। ओ मसाला तो जरूरी है, मतलब वो मतलब रेडीमेड वाला कुछ भी नहीं तो अच्छा खुशबू नहीं आएगी। आज का खाना सैलेड, दाल में रोटी।